अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं या मोहम्मद उस्मान मल्ला पंजी सोब न्यूज़ में सभी सजणन के भलीकार बुलेटिन में शामिल कंदासी हिन वक्त जी एक अहम खबर। नाजरीन सांगड़ का खबर दींदा हलूँ तो मौजूदा जिले सांगड़ समेत सिंध के सियासी सूरत हाल से एसटीपी ताल के सांगड़ जो इजलास जिले सदर अली नो खासकेली के सदारत हेठ न्यू प्रेस क्लब सांगड़ में थो। इजलास में सलीम डारी, शाहनवाज नायक, जान मोहम्मद अबड़ो, कामरेड अली जुड़े मंगसी, जब्बार जुड़े जो ताल के सदर सनी जुड़े जो एहसान शर्फ, वली मोहम्मद मंगरियो, डाणू जावरी, यूसुफ जलबाणी, जुल्फकार जावरी, अयाज जलबाणी, खादम जुड़े जो समेत बेन पार्टी के कारकुनन शिरकत कई। इजलास में तालके समेत जिले अंदर पार्टी के वाद वीज जिले में सियासी तौर से हलचल तहरीक हलने जो फैसलो कयो वयो। इजलास के सदारती खिताब कंदे जिले सदर अली नो खासकेली तो सिंध के सियासी वजूद के इन वक्त हर तरफ का खतरा आन। सिंध के टोड़ने लाय सिंध दुश्मन कुवतू इन वक्त सियासी तौर से सरगर्मियों में मसरूफ आन, जो सबूत गुजरियल 15 साल दौरान लखे बेन सूबन के धारियन सिंध दुश्मन मानन के डोमिसाल ठाए दियण है। उन डोह में वफाक से गड पीपी जी सिंध हुकूमत बराबर जी शरीक है। सिंध के धारें जी लोध का बचाने ला इन वक्त डॉक्टर कादर मंगसी के क्यादत में एसटीपी भरपूर जदोजहद के अमल में पंजो अहम सियासी किरदार अदा कर रही है। मौजूदा सिंध के हुक्मरान में सिंध धरती और सिंध अवाम के कदें भी चंगाई नसीब न थी। पंजन हकन के हासिलात लाए सिंध के अवाम के हाने सियासी तौर से सुजाग थियण पव। वर्कर इजलास के जानल अगवाणन पिण खिताब किया।